क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछली बार दिल्ली में जब 19 में चुनाव यहाँ हो रहा था वो यहीं थे और उन्होंने कलेजे पे पत्थर रख करके 7 सीटों के लिए सिर्फ इसलिए हामी भरी। भोला बाबू यहाँ बैठे हुए हैं, सिंबल भरा हुआ हमारे कैंडिडेट्स का, हमने विड्रॉ कर लिया सिर्फ इसलिए कि उस विशाल हृदय व्यक्ति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का गोल है बीजेपी को आज दिल्ली के पानी में और उस गोल में कामयाब हुए। क्योंकि स्ट्राइक रेट हमारा 7 लड़े 5 पे रनर अप रहे, क्लोज 1800 2000 ऐसे हारे। वजीराबाद बैराज पे भेज रहे हैं, कई विधायक हिलने डुलने लगे, हमारा तो एक ही विधायक था, मंत्री थे सत्यानंद जी, कभी इनके बारे में सुना कि ये हिल डुल रहे हैं? कोई कलकत्ता में पकड़ा गया, कोई कहीं पकड़ा गया। तो ये प्रतिबद्धता कि हमने महागठबंधन को मजबूत करने का काम, आप सब जानते हैं, इंडिविजुअली आप लोग मैसेज भी करते हैं कि राजद का कम से कम 22 जगहों पर कम से कम एक ऐसा जनाधार है जहां हम जीत तय करते हैं, चाहे वो जेएमएम के हमारे साथ ही लड़े या कांग्रेस के साथ ही लड़े। हेमंत जी को मुख्यमंत्री बनाया उसी संदर्भ में बार बार हम इस बात को दोहराते हैं। कल जो इस बात को लेकर के आपसे कहा हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, इंडिया गठबंधन के बनने में भी माती भूमिका थी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी। हम बीजेपी से पारंपरिक रूप से लड़ने वाले लोग हैं, हमारी आंख बिछौनी कभी नहीं हुई, कईयों की हो गई, कई इस खेल के माहिर हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने अपने नेताओं का जेल जाना स्वीकार किया, प्रताड़ना सहना स्वीकार किया, लेकिन भाजपा के वॉशिंग मशीन के आगे नतमस्तक होना स्वीकार नहीं किया। ये है राष्ट्रीय जनता दल की थाती। आज भी जो बिहार के लोग, क्योंकि झारखंड और बिहार का एक नैसर्गिक रिश्ता है, अलग हुआ, लेकिन जो बिहार के लोग पारंपरिक रूप से यहाँ रह रहे थे, आज भी उनके लिए विकल्प राष्ट्रीय जनता दल है। एक बड़ी बहुजन आबादी जिसको अपना स्वर चाहिए, उसी स्वर का प्रकटीकरण था। दिल्ली वालों के खिलाफ हम आपको जब नेता प्रतिपक्ष दो दफे हम लोग गए, बड़ी सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई परसों, आम आदमी पार्टी हेमंत जी स्वयं थे, सारी बात हुई। इस संभावना पे बल दिया गया कि हमें मिल के लड़ना है और बीजेपी की जो तमाम कोशिश है ईडी सीबीआई आईटी इलेक्शन रिगिंग के माध्यम से उसको विराम देना, लेकिन कल एक यूनिलैटरल डिसीजन हुआ जिसमें कहा गया कि 7 छोड़ा जा रहा है। शाम तक जब हम दोबारा बातचीत के लिए गए, जिसे मैं उतना सौहार्दपूर्ण नहीं मानूंगा, लेकिन उसमें जो व्यक्ति बातचीत के लिए थे हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ, हरियाणा में हमारे प्रभारी हैं, हम दिल्ली केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कदम उठा के कई बार के विधायक रहे हैं, स्मोक गन्स हो, हर लेकिन संभव थोड़ा कष्ट हुआ। हम दिल्ली कष्ट हुआ इसलिए कि अपने लोग हैं, सबको पता है, जिनके साथ मिलकर के हमने झारखंड में एक नई राजनीति की कल्पना की थी। अब वो बातचीत 3-4 सीट पे आई, 3-4 सीट केजरीवाल जी दिल्ली वालों को ना हमारे कार्यकर्ता